हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आज हम एक बहुत ही स्पेशल काम के लिए आज हम जा रहे हैं मार्केट, और मार्केट से हम कहीं जा रहे हैं एक जगह। तो हम किस काम के लिए जा रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड्स। सो आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फ्रेंड्स, अभी हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए, तो आगे चलते हैं, हमें क्या क्या दिखता है, हम क्या क्या करते हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ। हमने रोंगखेलान रोड हमने पकड़ ली है, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ट्रैफिक कितनी है आज। ये रास्ता रोंगखेलान जाता है फ्रेंड्स, रोंगखेलान यानी डॉन बॉस्को, डिफू डॉन बॉस्को। तो फ्रेंड्स हम अभी अपनी मंजिल पर आप पहुँचे हैं, और आप देख ही सकते हैं ये साइन बोर्ड में लिखा हुआ है स्टेट वेटरनरी डिस्पेंसरी। तो हम लोग वेटरनरी डिस्पेंसरी में आए हैं। तो एक्चुअली हम आए हैं हमारे इस प्यारे से पपी, ये देखिए फ्रेंड्स, ये बैग से बिल्कुल निकल ही चुका है हमारा प्यारा पपी जिमी। तो हम जिमी की वैक्सीनेशन के लिए आए हैं फ्रेंड्स, तो आज इसकी वैक्सीनेशन करानी है, हमारी फर्स्ट वैक्सीनेशन। तो देखते हैं आज इसका वैक्सीनेशन कैसा रहता है। सो फ्रेंड्स, देखिए ये हमारे डिफू का स्टेट डिस्पेंसरी, वेटनरी डिस्पेंसरी। तो ये कितना सुंदर है फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पहली बार आया हूँ। यहाँ तो बहुत सारे गार्डन की तरह सजा हुआ है फ्रेंड्स, रियली ब्यूटीफुल, चारों तरफ फूल लगे हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है। और वो सिस्टर भी हमें पूछ रही है, सो लेट्स गो इनसाइड द डिस्पेंसरी फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, अभी डिस्पेंसरी के अंदर हम लोग घुसते हैं, दाखिल हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अभी मैं अपने पपी को, मेरा जिमी को अभी 6 in 1 हम लोग फर्स्ट इंजेक्शन दे रहे हैं, फर्स्ट वैक्सीनेशन। तो हमारे यहाँ पे हमारे दोस्त हैं छोटे भाई, मैं इनको दोस्ती कह रहा हूँ, तो ये लगा रहे हैं इंजेक्शन। तो पहला इंजेक्शन पड़ने वाला है हमारे जिमी को। जिमी, गुड बॉय। हाँ, अच्छा 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 अच्छा, तो हो गया, अभी पहला इंजेक्शन पड़ चुका है हमारे जिमी को। तो डॉक्टर मैम का कहना है कि 1 महीने बाद अभी इसका हमें इसका बूस्टर देना है, हमें 1 महीने बाद इसका फिर से बूस्टर देना है। अभी ये बिल्कुल ये बीमारियों से फ्री तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सेफ हो गया है। तो अभी बूस्टर देने के बाद ये बीमारियों से लगभग बच ही जाएगा। तो फ्रेंड्स, वैक्सीनेशन करना बहुत ही ज़रूरी है अपने पेट का, पपी का, क्योंकि बहुत सारे बीमारियां होती हैं, जैसे पार्वो हो गया, रेबीज़ हो गया, डिस्टेम्पर हो गया। तो उनसे बचने के लिए हमें वैक्सीनेशन देना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अभी हमारे जिम्मी का, हमारे छोटे से जिम्मी का वैक्सीनेशन हो चुका है, और अभी 1 मंथ के बाद आने के लिए हमें कहा गया है। ये हमारे पास वैक्सीनेशन कार्ड है, तो अभी हम इसके कुछ टिक फ्री मेडिसिन है और कुछ बूस्टर मेडिसिन है, तो वो हम फार्मेसी से लेंगे। तो वो रोड के उस साइड है, तो हम उस साइड चलते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अभी हम वेटनरी के ऑपोजिट में ये पेट क्लिनिक है, तो यहाँ पर हम अपने जिमी के लिए कुछ मेडिसिन्स ले रहे हैं। तो यहाँ एक टिक फ्री
स्प्रे हमें मिल रहा है और एक बूस्टर है, तो ये दो चीज़ हम ले रहे हैं। और ये रहा उसका प्रेस्क्रिप्शन, ये रहा हमारे डॉगी का प्रेस्क्रिप्शन, तो इसके मुताबिक हमने दो मेडिसिन ले लिए हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे पपी जिमी का वैक्सीनेशन हो चुका है आज। वो इस बैग में अभी आराम कर रहा है। अभी हम जा रहे हैं घर की ओर। तो आज का वीडियो इतना ही था फ्रेंड्स, और डॉक्टर मैम ने कहा है कि एक महीने बाद हमें आना है, तब हमें इसका बूस्टर मिलेगा और रेबीज का इंजेक्शन भी मिलेगा। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स अलविदा। तो हो सके तो मैं इसका जब बूस्टर होगा तब फिर से एक वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स, पार्ट 2 ऑफ वैक्सीनेशन। तो आज के लिए इतना ही। सो बाय बाय।